आगामी 2 मई को होने वाले पंचायत चुनाव की मतगणना में मतगणना स्थल पर मौजूद रहने वाले एजेंटों का पास जहां निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा निर्गत किया जाना है, वहीं निर्वाचन पास निर्गत किए जाने से पहले मतगणना एजेंट बनने वाले लोगों को या बताना होगा कि वह कोरोना संक्रमित या कोरोना के संक्रमण जैसे दिखने वाले लक्षण उनमें नहीं हैं और ना ही उनमें सर्दी खांसी या बुखार के ही लक्षण हैं, क्योंकि महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। वहीं पंचायत चुनाव के प्रत्याशी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना की जांच ना कराकर ब्लॉक मुख्यालयों के बगल स्टेशनरी की दुकानों पर 1 रुपए के बिक रहे फॉर्म पर एजेंट बनने वाले व्यक्ति व प्रत्याशी स्वयं अपने हाथों से लिख करके दे रहे हैं कि उनमें कोरोना वायरस के संक्रमण जैसे कोई लक्षण नहीं है और ना ही वह सर्दी खांसी व बुखार से पीड़ित है। वहीं प्रत्याशियों व उनके मातहत लोगों के द्वारा स्वयं लिख कर दिए जा रहे हैं। इस प्रपत्र के आधार पर ही निर्वाचन अधिकारी के द्वारा मतगणना एजेंट पास बनाने वाले फॉर्म को जमा किया जा रहा है, जिस पर आज पास निर्गत होने की संभावना है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट।